ब्रेकफास्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा लंच के लिए लंच। गिर गया रे। अरे मोटू तुम पीटते क्यों रहे? पीट क्यों नहीं रहे थे? अरे पतलू उसने मेरे हाथों में पता नहीं क्या कर दिया है। पता नहीं कौन सी इनविजिबल हथकड़ी लगा दी है, दिख ही नहीं रही है। चलो पतलू चल के चिंगम सर को रिपोर्ट करते हैं। चलो मोटू मैं तुम्हारे ही पास आ रहा हूँ, तुम थोड़ा रुको मैं पहुँचता हूँ। चिंगम सर ये देखिए जॉन ने ये क्या हाल कर दिया है मेरे हाथों का। अरे माँ क्या हाल किया है? तुम्हारा हाथ तो ठीक है, ये देखो मेरे हाथ। अरे हथकड़ी तो मेरे भी लगा दी है पर वो दिख ही नहीं रही है। पता नहीं कौन सी इनविजिबल हथकड़ी है। चलो चलो लंच का टाइम हो गया है, बॉस बुला रहे हैं। नहीं इतनी जल्दी लंच, अभी अभी तो ब्रेकफास्ट किया था ना। ब्रेकफास्ट लेट हो गया था, गिर गया रे। लेकिन लंच टाइम पे करेंगे। जॉन सुधर गया है। अरे वो सुधरा नहीं है, वो वैन में ले जाकर पिटाई करेगा। मेरे हाथ बांध दिए। मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, लंच नहीं करना। तुम्हें नहीं करना है तो क्या बर्ड्स को भी नहीं करना है? ये उनका लंच टाइम है। आओ आओ खाना खाओ खाओ खाओ। शहर में जॉन चोरियां कर रहा है लेकिन ना तो चिंगम सर का पता है और ना ही मोटू पतलू का। अरे क्या करे क्या करे, हमें तो जॉन ने यहाँ हथकड़ी डालकर बैठा दिया है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करे पतलू? आज डिनर जल्दी करे, रात को फिल्म देखने के लिए जाना है। नहीं डिनर नहीं, डिनर नहीं। अच्छा अगर डिनर नहीं करना है तो डिनर कैंसिल। नहीं मेरे भाई मेरी यार ये पेंट क्यों कर रहे हो? ऐसा है कि अभी अभी रेस शुरू होने वाली है, आप सबको उसमें दौड़ना है। आप दौड़ोगे? अरे कोई रेस वेस नहीं, हम नहीं दौड़ेंगे, तुम हमें दौड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं तो क्या हुआ? अरे मोटू ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें हो क्या रहा है? तुम लड़ते क्यों नहीं? पतलू मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं तो जॉन से मार ही खाता जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। मैं तो किसी काम का नहीं रहा। हाँ पतलू। नहीं मोटू नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। देखो मोटू सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अपना मेंटल बैलेंस मत खो। ये मत सोचो तुम जॉन से हार गए हो, सोचना ये है कि क्यों हार गए हो। नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं जॉन से हार गया तो मैं भुरभुरी नगर में अपराध रोक ही नहीं सकता। अरे मैं निकला। अरे अरे पतलू ये मोटू को हो क्या गया है? मोटू इतना दुखी क्यों लग रहा है? आ सर भैया अब आपको क्या बताएं, जॉन ने कुछ तो कर दिया है। बॉक्सर भैया अब तो सिर्फ एक ही आइडिया है, अगर आप साथ दो तो हो जाएगा काम। अरे हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं तो मोटू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बॉक्सर भैया ऐसा करो कि तो मोटू का खोया हुआ मोरल वापस आ जाएगा। लेकिन ठीक है तुम बोल रहे हो तो मैं मान जाता हूँ। मोटू जल्दी से बाहर आओ, बॉक्सर भैया मुझे मार रहे हैं। मोटू हेल्प, घूम जा। मेरे दोस्त को छोड़ दो। वाह मोटू वाह,
तुम्हारी शक्ति वापस आ गई। देखो बॉक्सर को धो डाला, पीटो उसे, आज बदला ले लो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी शक्ति वापस आ गई। चलो चलो चलो, अब जॉन को ढूंढते हैं, धो डालते हैं। चलो अरे ये दोस्ती तो बड़ी महंगी पड़ी। अरे मोटो, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हेल्प चाहिए। लेकिन जॉन ने तो तुम्हें पीट दिया, अब तुम मेरी मदद कैसे करोगे रे? चिंगम सर, डोंट वरी, मेरी शक्ति वापस आ चुकी है। मैं जॉन ही में तूफान आ गया। सच है, कभी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अचानक शहर में तूफान आने का रीजन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जॉन के असिस्टेंट्स नंबर वन और नंबर टू कह रहे हैं कि मोटू पतलू ने हमारे बॉस का मजाक उड़ाया था, इसीलिए तूफान आ रहा है। अब रिपोर्टर को UFO की न्यूज देने का टाइम आ गया है। हेलो, हाँ, अच्छा, अभी अभी खबर मिली है कि कोई UFO भी शहर में उतरा है। UFO! डरो मत, मैं एक अच्छा एलियन हूँ। सिर्फ एक बात पूछने आया हूँ, क्या इस शहर में तूफान आ रहे हैं? बहुत बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, आपको कैसे पता चला? अरे मैं तूफानी प्लेनेट से आया हूँ, वहाँ बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। हमें खबर मिली है कि धरती पर वहाँ से एक तूफान आ गया है। अरे एक नहीं, यहाँ तो अनेक तूफान आ रहे हैं। बहुत से नहीं, एक ही आया होगा, उसका किसी ने मजाक तो नहीं बनाया। उन तूफानों में भी जान है, कोई मजाक उड़ाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हाँ हाँ, मोटू पतलू ने हमारे बॉस का मजाक उड़ाया है, वो तूफान हमारे बॉस को उड़ा कर ले गया। वो खड़े हैं मोटू पतलू, वो देखो। ओहो, जिसने मजाक उड़ाया था उसने बहुत गलत काम किया, उसकी वजह से शहर बर्बाद हो रहा है। पहले उसे शहर से निकालो वरना तूफान बंद नहीं होंगे। मोटू पतलू भाग गए, अब हम क्या करें? चिंता मत करो, मैं तूफान रोकने की कोशिश करूंगा। हमें तूफान आने का इंतजार करना पड़ेगा। डरो मत, मैं रोकता हूँ तूफान को। तुम लोग बस कुछ कुछ पकड़ कर खड़े रहो। लीजिए, तूफान रुक गया। थैंक यू, आप तो पूरे शहर के तूफान को रोक सकते हैं। ठीक है, मैं पूरे शहर के तूफान रोक दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं आता हूँ। दोस्तों, मुझे अपने प्लैनेट वापस जाना है, क्योंकि वहाँ मैं सेल्फी नहीं लेते, पर तुमने माना नहीं। अच्छा, चलो क्रोकोडाइल पार्क चलते हैं। मेरा कचुमर बना दिया रे। ये बोर्ड यहाँ पे किसने लगा दिया? ये तो यहाँ नहीं था। खैर चलो सेल्फी लेते हैं। ये सही जगह होगी। मोटू, मुझे तो ये जगह भी सेफ नहीं लग रही है। नीचे क्रोकोडाइल है और ऐसे खतरनाक जगह में सेल्फी नहीं लेनी चाहिए। देखो वो बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, हम उनको गलत मैसेज दे रहे हैं। वो भी ऐसे ही सेल्फी लेंगे और सीधे क्रोकोडाइल के मुंह में जाएंगे, समझो? अरे नहीं पतलू, अब तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। चिंगम सर, पतलू को समझाओ ना कि वो डरे नहीं। वही पियर, वही चिंगम इज हियर।
मुझे मेरे पैर मेरी यार कैसे मेरे मरीजों के इस बार तो मुझे भी डर लग रहा है यारी। उड़ी बाबा मेरा 20 साल का तजुर्बा में ऐसा कभी नहीं हुआ है। चलो तुम बोलता है तो एक फोटो खींची ही लेता हूँ। ओके से चीज स्माइल प्लीज। चलो पहले मेरा सेल्फी ले लेता हूँ। थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे। अरे क्रोकोडाइल नहीं आ रहे फ्रेम में। अरे हाँ 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 थैंक यू थोड़ा पीछे सब क्रोकोडाइल फ्रेम में नहीं है। आगे चाहिए ना। बॉस ये रस्सी पकड़ लो बॉस। पैंट उतार दिया रे। देखा बॉस मैंने आपको बचा लिया। थैंक यू नंबर वन थैंक यू। अरे घूरना बंद करो पहले सब्सक्राइब करो।